अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो मैनुअल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की जो है वो थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था कि आप किस तरह से जो है वो पेंसिल के थ्रू अपना बना सकते हो डिज़ाइन, ठीक है, बेसिक शेप और लाइन के थ्रू। अब सेकंड हम सीखा था हमने कि पॉइंटर्स के थ्रू आप किस तरह से बेसिक शेप्स और लाइंस के थ्रू बना सकते हो। अब हम क्या करेंगे, उसी जो है वो स्टाइल को हम लेके आएंगे अपने ब्लैक कलर्स के साथ, ठीक है। ब्लैक कलर का डिज़ाइन आपने सिर्फ बनाना है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि आप किस तरह से बना सकते हो। उसके लिए देखो मुझे एक स्केल चाहिए। अब मैं एक पॉइंटर आपको चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है, आपको एक पॉइंटर चाहिए होगा। उसके लिए आपको एक ब्लैक मार्कर कलर की ज़रूरत होगी। तो क्या होगा, ब्लैक पॉइंटर और मार्कर कलर की ज़रूरत होगी ब्लैक की। हम आज क्या करेंगे, हम सिंपल जो है वो एक डिज़ाइन बनाने की ट्राई करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा दी, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा दी और देन फिर यहाँ पर, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर जो है वो एक लाइन लगा दी, ठीक है। और इसी तरह मैंने क्या किया है, एक साथ और बॉक्स साथ ही बना लेते हैं ताकि फिर हम उसके बाद जो है वो कर लें। अब ये बॉक्स जो है वो मैं रैंडम बना रही हूँ, आप 2x2 का भी बना सकते हैं या फिर आप भी जो है वो रैंडम छोटा सा कोई एक बॉक्स बना सकते हो। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर दो बॉक्सेस बना लिए, ठीक है। अब इनके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर तो मैं लाइंस के थ्रू पहले मैं यहाँ पर एक बना लेती हूँ। जैसे देखो कि मैंने यहाँ पर बनाने का सोचा है कि मैं कुछ इस टाइप का यहाँ पर बनाना चाह रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना लिया, एक रफ सा बिल्कुल डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पर हम एक फेस सा बना लेते हैं, ठीक है, और सेकंड वाले में हम स्केल के साथ बना लेते हैं। स्केल थोड़ा गंदा है हमारा तो हम इसको ये यूज़ कर लेते हैं उसकी जगह। जैसे कि हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, फिर उसके बाद दूसरे कॉर्नर से हमने थर्ड से फोर्थ कॉर्नर पे गए हैं, और उसके बाद हमने क्या किया है, देखो हमने मिड में जो है वो एक सर्कल बना दिया। देन हम चारों साइड पे एक सर्कल, मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल्स होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये थोड़ा आप जो हो आप वो मेजर करके बिल्कुल इक्वल बनाओगे। अभी मैं आपको जल्दी जल्दी से बता रही हूँ तो मैं इतना उसका ध्यान नहीं कर रही, बट जब आप बनाओगे तो आपने जो है बिल्कुल इक्वल बनाना है, ठीक है, बॉक्सेस को या फिर जो भी चीज़ आप बना रहे हो। जैसे कि अभी मैंने सर्कल का जिक्र किया था तो सर्कल्स को भी आप जो है वो देख के बिल्कुल इक्वल ही बनाओगे। ये जो लाइंस बना रही हूँ मैं, इनको भी आप देख के बिल्कुल बनाओगे इक्वल, ठीक है। अब इनके अंदर भी मैं जो है वो यहाँ पर भी एक लाइन लगा रही हूँ, यहाँ पर कुछ लगा लेते हैं हम थोड़ा सा ऊपर करके, ठीक है। तो ये बेसिक क्या हुआ कि ये हमारी जो है वो एक रफ, जैसे कि ये हमारा एक स्केच बन गया। अब हमने इसके अंदर कलर कैसे करना है, उसके लिए अगेन पॉइंटर मार्कर कलर, ब्लैक मार्कर, ब्लैक पॉइंटर, और ये परमानेंट मार्कर है, आपके पास है तो आप यूज़ कर लें, नहीं है तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हम पहले मैं कर लेती हूँ, हम इसको कर लेते हैं ब्लैक पॉइंटर के साथ, ठीक है। जैसे कि ये फेस था, अब ये फेस बनाया था। अब इसके अंदर देखो आप कैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हो। एक तो मैंने फेस के अंदर जो है वो मैं लाइंस के थ्रू ही आपको डिज़ाइनिंग करके दिखाऊंगी। एक तो ये देखो आई बॉल को मैंने इस तरह से फिल कर लिया। अब जो इसका आई ब्रो था मैं उसके अंदर ये सिंपल लाइंस लगाऊंगी और इसको जो है वो इस तरह से बॉक्सेस में बना दूँगी, ठीक है। ये इसके आई ब्रो को देखो, ये लाइन वर्क किया ना जो मैं कर रही हूँ। अब मैं अगेन उसके ऊपर एक इस तरह से बाउंड्री बनाना चाह रही हूँ। अब आइज़ के नीचे मैं क्या करूँगी, मैं एक और लाइन लगा के यहाँ पर सिंपल इस टाइप की कुछ लाइंस लगा दूँगी, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, मैंने देखो ये जो नोज़ था हमारा, नोज़ का एरिया, मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि मैं कुछ इस टाइप की लाइंस लगा दूँ यहाँ पर। जैसे कि मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पर लाइट बनाऊँ और बस बाकी एरिया जो है वो फिल कर दूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर लाइंस लगा रही हूँ कुछ इस तरह से,
ठीक है। अब देखो कि मैं इसके नीचे अब ये वाला लिप्स जो है मैं ब्लैंक ही छोड़ूंगी, लेकिन मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ, इसके नीचे मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट कर दिया। अब मैं अगेन इसको जो है वो ऐसे बाकी पूरा जो नीचे है उसके अंदर भी मैं बस कुछ इस तरह से लाइंस लगाऊंगी। ये देखो ये सारा जो गेम है ये बेसिकली क्या है, ये लाइंस का ही है। हर चीज़ जो बनती है वो लाइन से मिलके ही बनती है। लाइन टेढ़ी हो जाए, लाइन जो है वो सर्कल में आ जाए, वो थोड़ा कर्व में आ जाए, तो बेसिक क्या होता है कि बनता तो सारा कुछ जो है ना वो लाइन से ही है। अब मैं ये वाली जो लाइन थी हमारी, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा इसको थोड़ा सा मोटा कर दूँ। उससे क्या होगा कि हमारा फेस जो है वो थोड़ा अलग नज़र आएगा और हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा अलग नज़र आएगा। ठीक है, तो मैंने अगेन यहाँ पर भी ये चीज़ रिपीट किया है, जो उसका कान सा कुछ हमने बनाया। अब ये देखो ये फेस भी जो है वो रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट में है। जो मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुकी थी कि एब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, तो अभी अगेन देखो कि ये जो चीज़ है ये एब्स्ट्रैक्ट में आ रही है। अब लास्ट क्लास में जो आपको ये दो बॉक्सेस ऊपर नज़र आ रहे हैं ये हमने जो है वो लास्ट क्लास में सीखे थे। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ पर जब आप काम करोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा बारीक वर्क करोगे। मैं यहाँ पर इतना बारीक नहीं कर रही क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि मुझे जल्दी देखो जैसे कि हमने इस फेस के ऊपर ऐसे लाइंस बना दिया। अब पहले हम इसका बैकग्राउंड कर लेते हैं, देन फिर जो बाकी एरिया रह गया है वो मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। अब बैकग्राउंड में जो है वो इस तरह से हम कुछ रैंडम लाइंस लगा रहे हैं। अब बैकग्राउंड पे भी आप जो हो वो बहुत ज़्यादा नीटनेस के साथ बारीक काम करोगे, लेकिन मैं जो हूँ वो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी अगेन आपको बता रही हूँ। इस तरह के जो डिज़ाइंस हैं ये भी आपने जो है वो ज़्यादातर नाइट सूट में या फिर बॉयज़ के बच्चों के ड्रेसेस पे जो है वो देखे होंगे फेसिस से, तो ये वही जो है वो हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर जो है ना वो सिंपल लाइंस ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पर मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा बॉक्सेस में यहाँ पर बना दूँ, और ये थोड़ा सा आई का शेड, अगेन ये चीज़ लेके आ जाते हैं हम। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर मैं बैलेंस करने के लिए क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक ही तरह की लाइंस नहीं लगा रही, मैं यहाँ पर छोटी बड़ी लाइंस जो है वो यूज़ करूँ। जैसे ये अब यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं जैसे क्रैक्स टाइप होते हैं, मैं यहाँ पर जो है वो ऐड कर रही हूँ। ये देखो कितनी जल्दी जो है आप एक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हो, और वो भी ये देखो फेस हमने जो है वो क्रिएट किया, लेकिन कितनी जल्दी, कितना इजी है, कितनी जल्दी क्रिएट किया। अब नेक्स्ट अगर जल्दी से मैं आपको बताती चलूँ, जैसे कि हम इस तरह से कुछ कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं छोटा सा कोई वर्क कर लेती हूँ जैसे कुछ इस टाइप का लाइंस, जैसे हाफ सर्कल्स होते हैं, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। Thank you.
अच्छा ये देखें, अब हमने सिर्फ एक ही कलर को यूज़ करते हुए, ब्लैक कलर को यूज़ करते हुए किस तरह से हमने जो है वो जल्दी से एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। ठीक है, इस तरह के आप जो है वो बहुत से डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो, बहुत से डिज़ाइंस बना सकते हो अपने से। तो आपने क्या करना है, आपने यही 5 डिज़ाइंस इस तरह के एक ही कलर के साथ, ठीक है, उसमें कलर नहीं करना और कोई, सिर्फ एक ही कलर के, क्योंकि अक्सर आपने डिज़ाइंस देखे होंगे कपड़ों के ऊपर या फिर अगेन मैं आपको वही बताऊँगी हर चीज़ के ऊपर, तो कुछ डिज़ाइंस होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट में भी होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा मकसद क्या था कि हमने जो है ब्लैक एंड वाइट डिज़ाइंस जो है वो बेसिक शेप्स और बेसिक जो है वो लाइंस के थ्रू क्रिएट करना सीखने, जैसा कि हमने इसमें किया। फेस में हमने जो है वो स्ट्रेट लाइंस और थोड़ी सी कर्व लाइंस, जैसे ये देखो इसके फेस की लाइन है, कर्व लाइन यूज़ करते हुए फेस क्रिएट किया। और नेक्स्ट जो है हमने सिंपल एक डिज़ाइन बहुत जल्दी से जो है वो उसको बना लिया। तो आपने भी जो है वो कुछ इसी तरह से जो है वो आपने करना है, आपने डिफरेंट जो है वो 5 डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं जो इसी तरह के होंगे, और उसमें जो है आप सिर्फ ब्लैक के साथ ही जो है वो कलर करोगे और कोई कलर जो है आपने यूज़ नहीं करना फ़िलहाल। नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे, देखेंगे क्लास, उसमें हम जो कलर्स के थ्रू करेंगे। बाकी अगर कुछ नहीं समझ आया आप मुझसे पूछ सकते हो, अगेन पूछ सकते हो, जितनी बार भी आपको समझ नहीं आ रही आप मुझसे बार बार पूछो। और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है, खुदा हाफिज़। Audio Jungle.